करनाल नेशनल हाईवे के साथ लगने वाली ये शानदार बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जो लगभग 9 सालों से खंडर थी, अब इसको नाम दिया गया है हैफेड एग्रो मॉल। अगर आप देखेंगे बड़ा बड़ा नाम आपको अब नजर आ जाएगा, हैफेड एग्रो मॉल। लेकिन उससे पहले अगर अंदर जाया जाता तो अंदर चमगादड़ जो है वो मिलते थे। अब जो है इसको कहीं ना कहीं रेनोवेशन करवाया गया, फिर से इसको सुधारा जा रहा है और 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले आज सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है इस निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जरूरी दिशा निर्देश देने पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगभग जो उस वक्त सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त थे, तब इसको 47 करोड़ की लागत के आसपास से बनाया गया था। 2008 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2014 में बनकर तैयार हुई, इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन तब से लेकर 9 साल हो गए, ये शानदार बिल्डिंग आप देख सकते हैं इसी तरीके से खंडर जो है बन जाती है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो अब जो है इसको फिर से तैयार किया गया है, फिर से इसको चमकाया गया। अगर बात की जाए नीचे जो तमाम स्पेस है उसमें हैफेड के प्रोडक्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। बाहर की तरफ बताया जा रहा है कि वीटा के बूथ जो है वो लगाए जाएंगे और ऊपर की तरफ बताया जा रहा है कि फूड कोर्ट बनाया जाएगा, यानी कि खाने पीने के लिए बैठने का स्थान और इस तरीके की चीजें ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि करोड़ों की लागत की ये बिल्डिंग कितने सालों से जो है वो खंडर थी, जिसको किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान जो है वो गया है और अब इसको पूरा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि रेनोवेशन का काम यहाँ पर जोरों शोरों पर है, क्योंकि आने वाली 14 फरवरी को जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद इसे आम जनता के लिए जो है वो शुरू किया जाएगा, हैफेड एग्रो मॉल इसको नाम दिया गया। कई बार इस बीच में, इन सालों के बीच में जो है इसको बेचने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो बात जो है सिरे नहीं चढ़ पाई आप कह सकते हैं। देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके का ये स्ट्रक्चर जो है बनाया गया था। अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अंदर हैं, आगे के जो भी दिशा निर्देश है वो तमाम अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं और आगे जो भी रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर बता दें कि लगभग 4 एकड़ की जगह ये बताई जाती है, अगर आप पीछे देखेंगे तो काफी बड़ी जो है ये जगह है। अगर वहां पर देखेंगे कि 4 एकड़ के करीब की ये जगह बताई जाती है और 47 करोड़ 28 लाख के आसपास की लागत से जो है इसे बनाया गया था। लेकिन इन 9 सालों में जो है इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इतनी बड़ी जो है ये प्रॉपर्टी थी, इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी अगर आप पीछे तक देखेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और एक शानदार स्ट्रक्चर जो है इसका बनाया गया था। कहीं ना कहीं अब जो है इसकी तरफ ध्यान दिया गया और अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एग्रो मॉल इसका नाम था, इसको हैफेड एग्रो मॉल नाम जो है वो कर दिया गया और अब हैफेड की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मिलेंगी। उसके साथ साथ पब्लिक को और भी बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, यानी कि एक ऐसी करोड़ों की इमारत जो खंडर थी उसको अब सजा दिया गया है और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर 9 सालों में इसका इस्तेमाल होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भी जो है क्या कुछ इसके साथ कर सकती थी। लेकिन जब इसको बताया जा रहा है कि बेचने की भी कोशिश की गई थी, उस वक्त भी जो है बात सिरे नहीं चढ़ी, नहीं बेचा गया। कई बार ओपन जो है कह सकते बोली जो है इसके लिए खोली गई कि बोली लगाई जाए, इसे कोई खरीद ले, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मॉल पानीपत में भी बनाया गया और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार जो है ये स्ट्रक्चर है। लेकिन 9 सालों से जब इसके अंदर जाया जाता था तो कई बार जो अंदर से चमगादड़ निकलते थे, इस तरीके की चीजें जो है वो निकलती थी। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग कितनी शानदार है, अब इसको फिर से साफ सुथरा जो है वो बना दिया गया और आज मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आगे के दिशा निर्देश जो भी रहने वाले हैं वो दिए जाएंगे और 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इसका फिर से उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि 2008 में शिलान्यास होता है, 2014 में जो है उद्घाटन होता है और उसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और अब तक ये बिल्डिंग ऐसी की जो है जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, कोई इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसकी ओर ध्यान दिया गया और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नया नाम हैफेड एग्रो मॉल जो है इसका कर दिया गया है और अब देखने वाली बात रहेगी कि पब्लिक का रुझान, जो आम जनता है उसका रुझान इसकी तरफ किस तरह बढ़ता है, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, कितने लोग जो है इसे अंदर से देखना चाहते होंगे कि आखिर जो है इस तरह से चारों तरफ से कांच की बनी ये बिल्डिंग है और कितना लोगों को लुभाती है, क्योंकि करोड़ों की लागत है, 47 करोड़ 28 लाख के आसपास की रकम बताई जाती है जब इसे बनाया गया था। जो लागत आई थी उस वक्त जो है
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी जब इसको बनाना शुरू किया गया, लेकिन कुछ भी इस्तेमाल इसका नहीं किया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अंदर का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल अब फिर से जो है इसका एक पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट अंदर बनाया गया है, एक मॉडल तैयार किया गया है ताकि देखा जा सके। अगर बिल्कुल सामने आप देखेंगे आपको लिफ्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं करनाल की जनता और आसपास के लोगों से भी अपील करूंगी कि आप इस बिल्डिंग के बारे में अपनी राय ज़रूर दें।